नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रिटन, यानी 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन पूरे 10 मिनट का रहेगा क्योंकि आपको दोस्तों कम से कम आप अगर हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा तो आपको 10 मिनट की तैयारी करके जाना है ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदया रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संस्थान के सभी साथियों ने जो उपसभापति महोदया रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संस्थान के सभी साथियों ने जो प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में भेज सके हैं, इसके लिए मैं उन सभी कर्मचारियों, सभी वैज्ञानिकों, सभी तकनीशियनों को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है और इसको मैं आनंद की घटना भी मानता हूँ। इससे यह भी पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रगति की कक्षा में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं बल्कि कई देशों से आगे हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करना चाहता हूँ, इस दिशा में बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी मानते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहन होती है और हम यह बात कई सालों से कहते आए हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वे भी समर्थ संस्कृत की वाहन हैं। मुझे राजभाषा समिति का एक सदस्य होने के नाते बार बार इस बात को देखकर दुख हुआ है कि इस देश में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कंप्यूटर और वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी को चलाने की बात कही जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की संस्कृति जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं उसका संबंध भाषा से भी है। इस देश में अनेकों भाषाएं हैं, हिंदी इस देश की राजभाषा है और देश की जो अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं वे सब समर्थ भाषाएं हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हम इन भाषाओं को और भी प्रबल बना सकते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के द्वारा देश की आत्मा की एकता को और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं को समर्थ बनाने के साथ साथ देश को तोड़ने वाली राजभाषा हिंदी को भी समर्थ बना सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक इस दिशा में जितना ठोस काम होना चाहिए था, जितना ठोस काम वैज्ञानिकों के जरिए उठाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। शायद वे हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस स्थिति में अब हम पहुँच गए हैं, जिस अंतःकरण में पहुँचने के लिए जो वैज्ञानिक काम करना चाहिए वह भी शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि लेंगे और इस
एकात्मकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, यही मेरी विनती है। उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत के वैज्ञानिकों, वैज्ञानिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उनके साथी कर्मचारियों ने आज भारत के गौरव को बढ़ाया है और इसलिए इस देश की जनता इन सभी के प्रति सदन के माध्यम से अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल को पेश करने वाले को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनकी अपनी मातृभाषा में कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्त इंग्लैंड में पैदा हुए और वहीं उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करते उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं की ओर उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त है। यह बात सही है कि यहाँ सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए और वह है, इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता कराना तथा संसद के कार्य को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान कराना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो तो यह बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसका हमारे बजट पर कितना खर्चा पड़ा। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगी सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इन भाषाओं में भी होने लगे तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है तो वह पहले से ही है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान सभी भाषाओं में कार्य हो तो यह बहुत खतरनाक बिल है और इसका हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। हमारा देश गरीब है और
खर्च बढ़ने के माने में यह कि सरकार टैक्स लगाएगी और इससे हमारी गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। भूपेश जी, गरीबों के हमदर्द बनते हैं, उनका कहना तो यह है कि गरीबों की मदद हो, लेकिन यह सब टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। यह टैक्स बढ़ाने का एक और षड्यंत्र भूपेश जी ने जाने या अनजाने में कर दिया। मैं नहीं जानता, क्योंकि विधेयक तो साधन होते हैं, किसी साधन के लिए साध्य नहीं होता है, साध्य तो देश है। स्टॉप। ओके दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन था, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और